चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, पूर्वी भारत अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है, बांग्लादेश में संयुक्त नदी को क्या कहते हैं, पद्मा। देश की 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 9294 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है। राज्यों में सबसे अधिक घनत्व 904 पश्चिम बंगाल में, सबसे कम घनत्व किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टन 8610 मीटर है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह किस श्रेणी में स्थित है, काराकोरम। अगला है, लौटते मानसून से कारामंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है, स्थानीय उच्चावच। अगला है, हिमालयी सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलॉयड प्रजाति के लोग निवास करते हैं, निग्रोटो प्रजाति का निवास स्थान है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला है, मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है, बकरियों की संख्या का सबसे अधिक किस देश में, भारत में। अगला है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियम स्टाम्बोली ज्वालामुखी को। अगला है, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से। अगला है, भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी में मिलती हैं, पालनी पहाड़ी में। अगला है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां की सहायक नदियां, कृष्णा नदी। अगला है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है, चेनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर राज्य में। अगला है, भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह राजस्थान में। अगला है, महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर। अगला है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है 7 मिनट 40 सेकंड। अगला है, हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है, एवरेस्ट का। अगला है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। अगला है, तिस्ता नदी किस बेहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ब्रह्मपुत्र नदी के। अगला है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को। अगला है, सैन फ्रांसिस्को से बिलाडी वोस्टक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी, प्रशांत महासागर के ऊपर से। अगला है, लाहौर से पर्वत श्रेणी किस देश में, नेपाल में। अगला है, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी। अगला है, वर्जीनिया तमाकू प्रमुख किस देश में उगाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है, ऐरावत पथ में। अगला है, एशिया का मृतक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का। अगला है, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है, गुम्बदाकार पठार। अगला है, संसार का प्रसिद्ध डॉनवास कोयला क्षेत्र देश किस देश में है, यूक्रेन में। अगला है, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में, डिट्रॉयट में। अगला है, वद्यावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोहे इस्पात उद्योग के लिए। अगला है, पेम्परी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। अगला है, व्युत्क्रम ताप होता है ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। अगला है, एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही क्रम है, टुंडा टैगा स्टेपी सवाना भूमध्य रेखीय। अगला है, विश्व का कहवा उत्पतन कहलाता है, साओ पालो।
अगला है अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? लोह इस्पात उद्योग। अगला है विश्व का सर्वाधिक धनी आबादी घनी आबादी वाला क्षेत्र है? दक्षिण एशिया क्षेत्र। अगला है राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला है वीली वीली क्या है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला है गुरु शिखर एक चोटी है माउंट आबू में। अगला है योजना द्वारा भारत की कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? 15 में। अगला हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अगला है पिरेनीज पर्वत किस देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? फ्रांस और स्पेन के बीच। अगला है वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज। अगला है कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? केरल में। अगला है बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है सोमेश्वर की पहाड़ियां। अगला है कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमालय हिमाचल प्रदेश में। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत से। अगला है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। अगला है डागर बैंक से तात्पर्य पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से। अगला इंदिरा पॉइंट क्या है? तो ये भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है नाम दिया गया है इसको, ठीक है। अगला है भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? वे कौन कौन से देश हैं? 7 देशों से जुड़ी हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। अगला है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? केटू या कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अगला है हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित हैं। अगला है भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? 7 सिस्टर। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्य असम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है। सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। असम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा है। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है? फांडा। अगला है जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। अगला है इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला है महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंगे सिद्धांत कभी तिवादन किया है? एरी ने। अगला है गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? रिहंद। अगला है फिवाल विरंजन परिणाम है समुद्री जल प्रदूषण का। अगला है बरमूडा त्रिकोण स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? मलक्का जल संधि द्वारा। अगला है जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में। अगला है लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? प्रवाहित तो सिंधु। अगला है हमारा उदयपुर की जावर खाने किस श्रेणी के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जिंक के लिए प्रभावित नहीं होती है यहाँ होगा प्रसिद्ध है जिंक के लिए जस्ता के लिए, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में। अगला है हॉन्ग हो नदी किस सागर में गिरती है? कीत सागर में। अगला है हमारा सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला है इंदिरा गांधी नहर किस नदियों के जल का उपयोग करती है? तो सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरीके बांध से जल मिलता है इसे। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। अगला है वादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला है विश्व में सबसे अधिक कॉफी
उत्पादक देश है ब्राजील।